अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख, और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। अब ऐसा है कि कोई रूटीन मेरी इतनी ख़ास भी नहीं है, और जब से मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियोज़ बनाना शुरू की हुई है ना, यानी मेकअप कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, तो वो ना फिर एक ही काम पर फोकस हो पाता है, तो जिसकी वजह से मैंने जो व्लॉग्स हैं वो नहीं बना पा रही, और कुछ इतना हो भी नहीं रहा ना कि मतलब रोज़ रोज़ वही रूटीन क्या मैं शेयर करूं। अच्छा खैर, अब ये है कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सोने और जागने की, और मतलब कि इतनी ख़राब हो चुकी है कि सुबह के 8 बजे तक मैं जागती रहती हूँ, और फिर सारी रात भी ज़ाया जाती है, यानी फजर के बाद मैं सोने के लिए लेट जाती हूँ, और फिर करवटें बदलती रहती हूँ, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। वो ये वजह है कि सारा दिन जो सोना होता है इस वजह से, तो रूटीन मेरी बहुत ख़राब हो गई है। खैर मैं सही करूँगी, ठीक करूँगी, मैं सोच रही हूँ, और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो अब भी मैं शूट ही करने लगी थी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लिया जाए। अभी बज रहे हैं 8 बज गए हैं, तो मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, और फिर व्लॉग भी साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा जी जनाब, ये है मेरा नाश्ता। धुआं निकल रहा है अभी चाय से, और नान तल के मैं खाने वाली हूँ। मोबाइल को लगाया हुआ चार्जिंग पे, तो मैं नाश्ता करती हूँ, फिर हम जो है ना आज की कोई रूटीन रिकॉर्ड करते हैं। मेरे मोबाइल का बैक कैमरा कितना फजूल है, कोई रिजल्ट नहीं। मेरा हाथ कितना गंजा लग रहा है, एक नेल कटा, बॉल लग के मैंने सारे के सारे काट दिए, गंजा गंजा लग रहा है। ऐसे ही शौक चढ़ा हुआ था बढ़ाने का, काट दिए मैंने। अब्बू जी ने भी मेरे नेल्स देखे, कहते हैं क्यों बढ़ाए हुए इतने ज़्यादा, गुनाह मिलता है, काटो इन्हें। मैंने कहा चलो काट ही दो। तो जी अब ना मैं घर के जाले उतार रही हूँ, क्योंकि अम्मी कहती है कि बहुत ज़्यादा जाले हुए हैं, तो जाले उतार दो, अच्छे नहीं लगते। तो ये है मेरा कपड़ा और ये स्टिक, और मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ जाले हैं। ठीक है जी, घर में अगर जाले लगे हों तो उतार देने चाहिए, ठीक है, लगे नहीं रहने देने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि घर में जो है ना, अम्मी का कहना है कि नहुसत होती है या क्या होता है, ये देखें ये, ठीक है। वैसे काफ़ी लगे हुए थे, किचन है ना हमारा सहन में, तो किचन से जो वो पकता है ना, तो सारा धुआं कमरों में सहन में। इस कमरे में तो ज़्यादा ही है मुझे। मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है, बारिश होने वाली है और हो रही है थोड़ी थोड़ी, और मैं अब दाल चावल खाने वाली हूँ। और ये है कि मौसम अच्छा होना तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है ना वो भी अच्छा हो जाता है। तो अब मैं दाल चावल खाऊंगी थोड़े से इस पर वेवी डाल के, तो बहुत मज़ा आता है, आप भी ट्राई करिएगा। वो देख गिरा दिए सारे 50 वाली, देना दाल चावल जैसे सभा खा रही है, ऊपर लेस डाल के, तेरे भी लिया हूं लेस डाल के। हैं वो नहीं, मुझे पसंद नहीं होता ये वाली, ये खाली दाल चावल ला, खाली दाल चावल और उसको तेरी प्लेट में डाल देता यार। नो नो बेबी नो, जाओ यहां से, मारूंगी मैं। अब ना मैं मेडोरा की, मेरे पास जो लिपस्टिक्स हैं ना उनका रिव्यू कर रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मेरे पास कलर्स हैं, ये मैंने शॉकिंग पिंक कलर लगाया है। थोड़ा मेरा मोबाइल ना थोड़ा ये ब्राइटर दिखाता है लिपस्टिक के कलर, लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो रिव्यू जो है ना वो आपने जाके इंस्टाग्राम पर देखना, ठीक है। 5 लिपस्टिक्स हैं टोटल, और ये वाला मैंने शेड लगाया हुआ है 285, और वैसे बाकी जो लिपस्टिक्स की डिटेल्स हैं वो मैं इंस्टा पर ऐड कर दूँगी, तो मस्त जाएँ और वहाँ पर जाके देखें मेरी वीडियोस। अच्छा जी, सारी लिपस्टिक्स मैंने लगा के चेक कर ली, और ये मैंने लास्ट पे रखा है रेड कलर। और ना ये है कि इन जो ये लिपस्टिक्स हैं ना, इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, यानी लगा के फ़ौरन से फैलती हैं, कभी दांत पे लगेंगी कभी ऊपर लगेंगी, मतलब मेरे हाथ भी भर गए। तो इनको ये है कि आप कोई ना कोई, ये वाली जो लिपस्टिक है ना इसको मैंने मैट लिप ग्लॉस के साथ मिक्स करके लगाया, तो फिर इससे आपकी जो है ना लिपस्टिक फैलेगी नहीं। एक काम ये करना है, दूसरा ये करना है आपने कि मेडोरा की लिपस्टिक लगा के ऊपर कोई ना कोई मैट लिपस्टिक लगाएं, और दूसरा आपने टिश्यू पेपर लेके इस तरह से करना है, ठीक है। तो फिर बहुत प्यारा मैट कलर की फिनिशिंग आएगी,
ठीक है, वो जो अजीब सा ऊपर ऊपर का पेंडू टच आ रहा था ना, मतलब लिपस्टिक लगा के, क्योंकि अब वो क्रीमी टेक्सचर चलते नहीं है ना, वो चलते हैं मैट में ही लिपस्टिक चलती हैं, तो वो फिर ठीक हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना इस तरह से। ये सारे कलर्स थे, तो ये देख सकते हैं आप। आपको ये शूज क्यों इतने पसंद हैं? क्यों इतने शूज ये पसंद हैं? बताओ। क्योंकि मैं तो अच्छे से बहन है। मैं शूज की बात कर रही हूँ। तुम मेरी बहन है? मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरी फूफो हूँ। सानी बहुत टाइट है। हाँ, ये क्या हुआ? फुट के बैठ। क्या हुआ तुझे? सुबह जा रही फिर नानो के घर? जाना भी है। फिर मुझे भी ले जाओ ना, आगे जगह भी नहीं। अस्मा चची भी चली गई, आप भी जा रहे हो, मैं भी। फिर मेरा दिल कैसे लगेगा? मैं आपके बगैर उदास हो जाऊंगी। अल्लाह के पास नहीं गई, पागल। नानो घर गई है। देखो मैंने पनाह ही दिए फाइनली। इंस्टाग्राम की वीडियो थी, उसका हो गया है एंड। तो अब मैं सब कुछ वाइंड अप करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप सबको बताऊं। आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे नाक बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है? और मैं क्या कहने लगी थी, हाँ, और जब ज़्यादा दिन बाल ना आप कॉम करो तो ये ऑटोमेटिकली मेरे कर्ल्स हो जाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से बाल कंघी नहीं किए। इतना भी कोई होगा? मतलब आप वाकई, आप लोग जो हैं लड़कियां रोज़ बाल कंघी करती हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रा बताएं कि आप लोग करती हैं रोज़ बाल कंघी? मैं तो नहीं करती, करने चाहिए वैसे। और जो लोग कह रहे कि आप बहुत वीक हो गई हैं, तो मैं उनको बता दूं आज ये सीक्रेट भी, कि ये जो काम है ना, ये करने से भी इंसान जो होता है ना, ऑटोमेटिकली वेट लूज़ और वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। अभी भी मैं पता नहीं 9 बजे से पहले लगी थी और 8 बजे शायद, तो अब जो है 10 बज चुके हैं एक्शन मार मार के। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये होता है ना कि थकावट हो जाती है, और फिर जब इंसान बिल्कुल फ्री हो, मैं वीडियोज़ वगैरह जो है बनाना छोड़ दूँ ना, तो मेरा ज़्यादातर हर वक्त ध्यान होता है कि खाना है, खाने की तरफ हर वक्त ध्यान रहता है, तो वो फिर ज़्यादा खाया जाता है, और फिर बैठे रहना, नो वॉक, नो कोई काम शाम, ना कोई एक्टिविटी, तो फिर वो वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब मैं ये काम शुरू कर देती हूँ, मेकअप वीडियोज़ बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, तो जब ये शुरू कर देती हूँ काम, तो वो ऑटोमेटिकली फिर भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। सारा दिन मैं बस एक नाश्ते में गुजारा करती हूँ। इसको मैं अभी उतारने लगी हूँ, मैंने ना सोचा कि मैं सारे बालों को बांध के फिर इस पर थोड़ा सा एंड का कोई शूट कर लूँ, तो मेहनत का काम है, तो ऑटोमेटिकली अब जो है ना वेट कम होना शुरू हो जाता है। मुझे खुद को भी अब फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रही हूँ इस काम की वजह से। तो बस ये था आज का व्लॉग। अभी ये प्लकिंग देखे मेरी कितनी ज़्यादा आई हुई है, अपर लिप आई हुई है, मैं सोच रही थी कि कर लूँगी, तो अब रहने देती हूँ, स्किप करती हूँ, कल कर लूँगी, ठीक है जी। और ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया, ऊपर रेड कलर का अगर है ना अभी तक आपका, तो उसको प्रेस कर दें, क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में आपने मुझे रखना है याद। अल्लाह हाफिज़।